चतुर्दशा पाठ चौदहवां लेसन 14th लेसन। इसका नाम है अह आह च, जैसे अरे ओह बोलते हैं हम लोग, वही इस लेसन का नाम है अह आह च अरे ओह। पाठ का सार इस प्रकार है। अजीज सरल स्वभाव वाला था, वह स्वामी की सेवा में लीन रहता था। एक दिन अजीज ने स्वामी से अवकाश मांगा। स्वामी ने उसे दो वस्तु अरे ओह लाने के लिए कहा। अजीज उन वस्तुओं की खोज में घर घर भटकने लगा। एक बुढ़िया ने उसे दो अमूल्य वस्तुएं दे दी। उन्हें लेकर वह स्वामी के पास आया। स्वामी ने एक पात्र को खोला, एक बर्तन को खोला। एक मधुमक्खी ने पात्र से निकल स्वामी को काट खाया। अचानक स्वामी के मुख से निकला अरे। दूसरे पात्र को खोलने पर भी एक मक्खी ने स्वामी को काट लिया। पुनः स्वामी के मुख से निकला ओह। अजीज परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका था। स्वामी ने उसे पूरे वेतन सहित अवकाश प्रदान कर दिया। इसको आप दो तीन बार सुन लेंगे तो आपको कहानी स्पष्ट हो जाएगी। यह अजीज है पिक्चर में, और जो बैठे हुए हैं वो उनका स्वामी है, सेठ है। अभी हम लोग पाठ का डिटेल देखते हैं। पाठ विवरण। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज नाम का एक लड़का था जो सरल स्वभाव तथा मेहनती था। अब यह प्रश्न है, अजीजः कीदृशः आसीत्, अजीज कैसा था? तो आंसर होगा अजीजः सरलः आसीत्। अजीज सरल था, अजीजः परिश्रमी च आसीत्, अजीज जो था वह परिश्रमी था। सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। वह स्वामी की सेवा में ही हमेशा लीन रहता था, यानी दिन रात स्वामी की सेवा में ही लगा रहता था। स्वामी शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। स्वामी शब्द को षष्ठी विभक्ति एकवचन में पढ़ेंगे स्वामिनः। सह कुत्र लीनः आसीत्, वह कहाँ लीन था? तो आंसर हो जाएगा सेवायाम लीनः, सेवायाम लीनः आसीत्, अर्थात सेवा में वह लीन था। अगला प्रश्न है, कस्य सेवायाम लीनः आसीत्? तो आंसर हो जाएगा सह स्वामिनः सेवायाम लीनः आसीत्। सेवा शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचने सेवायाम। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार क्या होता है, वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था या छुट्टी मांगता है। अजीजः किम वांछति, अजीज क्या चाहता है, क्या मांगता है? अजीजः अवकाशम वांछति, अजीज जो है अवकाश मांगता है, अवकाश चाहता है, छुट्टी चाहता है। सह किमर्थम अवकाशम वांछति, वह किस लिए अवकाश चाहता है, क्यों अवकाश मांगता है? तो आंसर है सह गृहम गंतुम, वह घर जाने के लिए अवकाशम वांछति, वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है, छुट्टी मांगता है। स्वामी चतुरा आसीत्, स्वामी जो था उसका वह चतुर था, चालाक था। अजीजस्य स्वामी कीदृशः आसीत्, अजीज का स्वामी कैसा था? तो आंसर हो जाएगा चतुरः आसीत्, चालाक था। चतुरः यानी क्लेवर, बुद्धिमान। सह स्वामी किम करोति, सह चिंतयति। अजीजः इवः न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः, एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। और उसका स्वामी सोचने लगा कि इस लड़के यानी अजीज के समान कोई दूसरा जो है कार्य में कुशल नहीं है, कोई काम में एक्सपर्ट नहीं है इसकी तरह, ठीक है। ऐसा अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति, और यह छुट्टी के समय का भी वेतन लेगा। स्वामी किम चिंतयति, स्वामी चिंतयति अजीज इव कार्य कुशला अन्य कोऽपि नास्ति। यदि मैं अजीज को काम से निकाल देता हूँ तो इसकी तरह दूसरा कोई काम में एक्सपर्ट नहीं है, दूसरा कोई कार्य में कुशल नहीं है।
अजीजा किम ग्रहिष्यति, अजीज क्या ग्रहण करेगा, क्या चाहता है। अजीजा अवकाशस्य वेतनम ग्रहिष्यति, अजीज जो है वह अवकाश का, छुट्टी का वेतन ले लेगा। तदनंतरम स्वामी किम करोति, एवं चिंतयित्वा, स्वामी कथयति, यह सोचकर स्वामी कहने लगा, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि। यह सोचकर स्वामी कहने लगा, मैं तुम्हें छुट्टी का और वेतन का सब धन दूंगा, परंतु एतदर्थम त्वं वस्तुं द्वयम् आनय, आह आह च इति। अब उसका स्वामी कहता है, मैं तुम्हें छुट्टी भी दे दूंगा और छुट्टी का पूरा वेतन भी दे दूंगा, परंतु इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाओ, और उन वस्तुओं का नाम था अरे और ओह। एतत् चिंतयित्वा, एतत् चिंतित्वा स्वामी कथयति, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, जो मैंने अभी बताया, परम एतदर्थम त्वं वस्तुं द्वयम् आनय, तुम वस्तु दो, वस्तु ला करके दो, और उसका नाम है आह आह च, ओह और आह, इस तरह का दो वस्तु तुम ला करके दो। एतदर्थम किम करनीयम, इसके लिए क्या करना है, वस्तु द्वयम आनेतव्यम, दो वस्तु लानी है, दो चीज़ें लानी है। तद वस्तु द्वयम किम अस्ति, वह दो वस्तु कौन है, अह तथा आह, वह दो वस्तु है अह और आह। एतत् श्रुत्वा सः किं करोति, एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, यह सुनकर के अजीज क्या करता है, दोनों वस्तु लाने के लिए निकल जाता है। एतत् श्रुत्वा यानी यह सुनकर के, आनेतुं यानी लाने के लिए, टू ब्रिंग, निर्गच्छति यानी बहि गच्छति, एग्जिट्स। अजीजः किं करोति, अजीज क्या करता है, अजीजः वस्तु द्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, अजीज क्या करता है, दोनों वस्तु लाने के लिए निकल जाता है। सः इतस्ततः भ्रमति, वह इधर उधर घूमने लगा, इधर उधर घूमता है, इतस्ततः हियर एंड देयर, इधर उधर। सः कुत्र भ्रमति, सः इतस्ततः भ्रमति, वह यहाँ वहाँ घूमने लगता है, घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है, आकाशम पश्यति, आकाश की ओर देखता था, धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है, वह कभी लोगों से पूछता है, कभी ऊपर की ओर देखता है, कभी पृथ्वी से पूछता है, पृथ्वी की प्रार्थना करता है। सः किमर्थम जनान पृच्छति, वह किस लिए लोगों को पूछता है, तो आंसर है वस्तु द्वयस्य ज्ञानार्थम, वह दो वस्तुओं को जानने के लिए, अह और आह, इसको जानने के लिए लोगों से पूछता है। परम सह सफलताम प्राप्नोति वा, किंतु क्या उसे सफलता मिलती है, परम सफलताम नहीं प्राप्नोति, लेकिन वह सफलता बिल्कुल प्राप्त नहीं करता है। सह किम नहीं प्राप्नोति, वह क्या नहीं प्राप्त करता है, तो आंसर है सफलताम नहीं प्राप्नोति, वह सफलता प्राप्त नहीं करता है। सह सर्वान पृच्छति, वह सभी को पूछता है, के अपि आह आह विषये न जानन्ति, कोई भी आह और आह के विषय में नहीं जानता है। अतः तस्य कोपि सहायका नास्ति, इसलिए कोई भी उसका सहायक नहीं है। आपने सु नगरे ग्रामे कुत्रापि अह तथा आह इति वस्तु द्वयम् न मिलति,
दुकान में, नगर में, गांव में, हर जगह वह खोजता है, लेकिन कहीं भी उसे अह और आह नाम की दो चीज़ें नहीं मिलती है। आकाशम प्रार्थयति, कभी वह आकाश से प्रार्थना करता है, ऊपर की तरफ प्रार्थना करता है, कभी भूमि नमस्कारोति, कभी धरती को नमस्कार करता है, धरती से प्रार्थना करता है, किमपि न प्राप्नोति, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अत्यंत दुखिता भवति और अंत में वह बहुत दुखी हो जाता है। तदा सह किम चिंतयति, चिंतयति परिश्रम से धनम सह नय प्राप्स्यति, तब वह सोचने लगता है कि उसने जो परिश्रम किया, लगता है कि उसका स्वामी उसका धन नहीं देगा, क्योंकि स्वामी ने जो शर्त रखी थी वह दोनों चीज़ अभी तक अजीज नहीं खोज सका है। सह किम चिंतयति, सह चिंतयति परिश्रम से धनम नहीं प्राप्स्यति, उसे परिश्रम का धन नहीं मिलेगा। अजीजः उत्तमः सेवकः, बहु परिश्रमी चास्ति, अजीज जो है बहुत ही उत्तम सेवक है और बहुत परिश्रमी है। तस्य स्वामी वदति यदा वस्तु द्वयम् आनयति तदा धनम ददामि, अब उसके स्वामी ने कंडीशन रखी है, जब तुम ये दोनों वस्तुएं लाओगे तब मैं तुम्हें धन दूंगा। सह कुत्रापि वस्तु द्वयम् न प्राप्नोति, वह कहीं भी उस दोनों वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है। परिश्रमस्य धनं प्राप्तुं समर्थः न भविष्यति, परिश्रम का धन प्राप्त करने में वह समर्थ नहीं होता है। इति चिंतितः भवति, ऐसा सोच करके वह चिंतित हो जाता है। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति, कहीं से क्या होता है, एक बुढ़िया मिल जाती है, एक बूढ़ी औरत मिल जाती है उसे। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति, कहीं पर उसे एक खोजते खोजते खोजने के क्रम में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। कुत्रचित का मिलति, कुत्रचित एका वृद्धा मिलति, सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, वह क्या करता है, वह उस बूढ़ी औरत को, उस महिला को पूरी घटना सुनाता है, कैसे स्वामी ने उसको छुट्टी देने के लिए शर्त रखी है और अह और आह नामक दो चीज़ें लाने को कहा है, ऐसा हुआ उस वृद्ध महिला को पूरी बातें सुनाता है। सह काम श्रावयति, वह किसे पूरी बात सुनाता है, ताम वृद्धाम यानी उस बूढ़ी औरत को वह पूरी बातें सुनाता है। अजीजः वृद्धाम किम श्रावयति, अजीज बूढ़ी औरत को, वृद्धा को क्या सुनाता है, अजीजः वृद्धाम व्यथाम अर्थात स्वदुखम श्रावयति, अजीज क्या करता है, उस बूढ़ी औरत को व्यथा यानी पूरा अपना दुख सुनाता है। अजीजस्य व्यथाम सुत्वा सा वृद्धा किम करोति, अजीज की भी व्यथा सुन करके, अजीज की बात सुन करके वह बूढ़ी औरत क्या करती है, सा विचारयति अजीजाय धनम दातुम स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, अजीज की बात को सुन के वह बूढ़ी औरत समझ जाती है कि अजीज का जो स्वामी है, अजीज का जो मालिक है, वह अजीज को धन देना नहीं चाहता है। सा किम विचारयति, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता है। इति सा विचारयति, ऐसा वह विचार करती है। स्वामी किम कर्तुम न इच्छति, स्वामी क्या करना नहीं चाहते हैं, स्वामी धनम दातुम न इच्छति, स्वामी धन देना नहीं चाहते हैं। स्वामी कस्मै धनम दातुम न इच्छति, स्वामी किसको धन देना नहीं चाहते हैं, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहते हैं। एवं चिंतयित्वा अग्रे वृद्धा किम कथयति, ऐसा सोच करके आगे वह वृद्धा, वह बूढ़ी औरत क्या कहती है। सा तम कथयति, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम् ददामि,
अजीज की पूरी बात सुनने के बाद वह वृद्ध औरत कहती है कि मैं तुम्हें वह दोनों वस्तु दूंगी। सा वृद्धा किम कथयति, सा तम यानी अजीजम कथयति, अजीजम किम कथयति, सा अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, मैं तुमको दोनों वस्तु दूंगा, इति कथयति, ऐसा कहती है। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु दोनों ही बहुत मूल्यवान है, बहुत कॉस्टली है। सा वृद्धा वदति अहम तुभ्यम यत वस्तु द्वयम ददामि तत् अत्यंत मूल्य युक्तम अस्ति, मैं जो तुम्हें दोनों वस्तु दूंगी वह बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कॉस्टली है। परंतु तत् किम अस्ति, तस्य नाम किम इत्यादि न कथयति, परंतु वह वस्तु क्या है, उसका नाम क्या है, ये वह बूढ़ी औरत अजीज को नहीं कहती है। वृद्धा वस्तु द्वयम अजीजाय ददाति, वह वृद्धा जो है, वह बूढ़ी औरत जो है, वह अजीज को दोनों चीज़ आह और आह दोनों चीज़ दे देती है। अजीजा वस्तु द्वयम स्वीकरोति, अजीज क्या करता है, दोनों सामान लेता है और प्रसन्ना भवति, ऐसा लेकर के वह खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसका स्वामी जो है उसको छुट्टी दे देगा और छुट्टी का पैसा भी दे देगा। वस्तु द्वयम प्राप्य सह किम करोति, दोनों वस्तु प्राप्त करके वह क्या करता है, प्रसन्न सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, वह प्रसन्न होकर के अपने स्वामी के पास चला जाता है, स्वामी के पास आ जाता है। कह प्रसन्न अस्ति, सह अर्थात अजीजः प्रसन्न अस्ति, वह अजीज जो है वह प्रसन्न है। सह किम करोति, सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, वह क्या करता है, स्वामी के समीप आता है। स्वामिनः, स्वामी इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन रूपम्। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकिता भवति, अजीज को देख करके स्वामी आश्चर्यचकित हो गया। स्वामी कीदृशा भवति, स्वामी चकिता भवति। कम दृष्ट्वा स्वामी चकिता भवति, अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकिता भवति। स्वामी किमर्थम चकिता भवति इति जानन्ति वा, स्वामी किस लिए आश्चर्यचकित होता है, क्या आप जानते हैं क्या। स्वामिनः चिंतनम आसीत् अजीजः वस्तु द्वयम् आनेतुं न शक्नोति, क्योंकि अजीज के जो स्वामी थे उनका सोचना था, उनका मानना था कि अजीज यह दोनों चीज़ें नहीं ला पाएगा, परंतु सह तो वस्तु द्वयम् आनयति, लेकिन वह उसने तो दोनों वस्तु लाया हुआ है, अतः सह चकिता भवति, इसलिए वह आश्चर्यचकित हो जाता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी क्या करता है, धीरे धीरे उस पेटी को, वह जो पात्र है उसको खोलता है। स्वामी काम उद्घाटयति, स्वामी पेटिकाम उद्घाटयति, पेटिकाम कथम उद्घाटयति, स्वामी पेटिकाम शनैः शनैः उद्घाटयति, स्वामी उस पात्र को, उस पेटिका को धीरे धीरे खोलता है। पेटिकायाम किम आसीत, उस पेटिका में क्या थी, पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, उस पेटिका के अंदर दो लघु पात्र थे। अजीजः याम पेटिकाम आनयति, अजीज जो पेटिका लाता है, तस्याम पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, उस पेटिका में, उस पेटिका के अंदर दो छोटे छोटे पात्र थे, दो छोटे छोटे और बर्तन थे। लघु पात्र द्वयम कुत्र आसीत, दो लघु लघु पात्र कहाँ पर थे, पेटिकायाम आसीत, पेटिका में थे। अधुना स्वामी किम करोति, अब स्वामी क्या करता है, प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, सबसे पहले वह क्या करता है, एक छोटे से बर्तन को खोलता है, उस पेटिका के अंदर, उस बर्तन के अंदर, उस पात्र के अंदर जो दो पात्र हैं
उसमें से पहला जो पात्र है, पहला जो बर्तन है, प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, उसमें से जो एक छोटा दिखता है उसको उसको वह खोलता है। स्वामी किम करोति, प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, सबसे पहले वह क्या करता है, एक छोटे से पात्र को खोलता है। तदा किम भवति, सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति तस्य हस्तम दशति, उस पात्र से उस बर्तन से अचानक एक मधुमक्खी निकली और स्वामी के हाथ पे डंक मार दिया। लघु पात्र से उद्घाटनेन किम भवति, उस छोटे से पात्र को खोलने से उद्घाटन करने से क्या हुआ, सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक एक मधुमक्खी उसमें से निकलती है। मधुमक्खी का किम करोति, मधुमक्खी क्या करती है, हस्तम दशति, मधुमक्खी क्या करती है, स्वामी के हाथ पर दशति यानी डंक मार दिया। कस्य हस्तम दशति, तस्य यानी स्वामिना हस्तम दशति, वह उस स्वामी के हाथ पर डंक मारती है मधुमक्खी। स्वामी उच्च ही वदति, ओह, जैसे ही मधुमक्खी डंक मारती है स्वामी जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं ओह। स्वामी किम करोति, स्वामी उच्च ही वदति, स्वामी उच्च ही किम वदति, स्वामी उच्च ही अह इति वदति, स्वामी जोर से अह ऐसा बोलते हैं। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, तो वह क्या करता है, दूसरा जो लघु पात्र है उसका उसको खोलता है, दूसरे छोटे बर्तन को खोला उसने। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है उसमें से। लघु पेटिका तह का निर्गच्छति, उस लघु पेटिका से छोटे से पात्र से क्या निकलती है, एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। सा किम करोति, सा वह क्या करती है, सा ललाटे दशति, उसने स्वामी के माथे पर डंक मारा। पहले वाले ने हाथ पे डंक मारा था, दूसरे वाले ने क्या किया, निकलते ही स्वामी के माथे पर डंक मारा। पीड़िता सह अत्युच्च ही चित करोति, पीड़ित होकर के वह जोर से चिल्लाता है। पीड़ा से युक्त स्वामी बहुत जोर से चिल्लाया और उसने कहा आह इति, जोर से चिल्ला करके उसने कहा ओह। जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा आह, पहले वाले में उसने आह कहा था, दूसरे वाले में जैसे ही उस माथे पे डंक मारा उसने कहा ओह। कथम स स्वामी पीड़िता भवति, वह स्वामी कैसे पीड़ित होता है। मक्षिकाया दसनेन सह पीड़िता भवति, मक्षिका के मक्खी के डसने से वह पीड़ित होता है। पीड़िता सह किम करोति, पीड़ित होकर के वह क्या करता है। पीड़िता सह अत्युच्च ही चित करोति, पीड़ित होकर के वह जोर से चिल्लाता है। अत्युच्च ही, अति उच्च ही, बहुत जोर से। अजीजा सफला आसीत, अजीज जो है वो परीक्षा में सफल हो गया, स्वामी ने जो शर्त रखी थी उसको अजीज ने पूरा कर दिया। स्वामी आह आह इति वस्तु द्वयम आनाय इति उक्तवान आसीत, स्वामी ने आह और आह यह दो वस्तु लाने के लिए कहा था। इदानीम तत तस्य मुखात एव आगतम किल, अब वह दोनों चीज़ें स्वामी के मुंह से ही निकल के आ गई। पहले जब मक्खी ने डंक मारा हाथ पे तो आह, दूसरी मक्खी ने जब माथे पे डंक मारा तो आह। एवं स्वामी वस्तुद्वयम प्राप्तवान, इस तरह से उस स्वामी ने दोनों वस्तु प्राप्त कर ली।
अजीजा सफला आसीत, अजीज अपनी परीक्षा में सफल हो जाता है। कहा सफला आसीत, अजीजा सफला आसीत, कौन सफल था, तो अजीज सफल था। कथम अह आह इति स्वामिनः मुखात वाचनेन सह सफला अभवत्। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति। स्वामी क्या करता है, जब अजीज ने शर्त पूरा कर दिया, स्वामी उसको छुट्टी भी देता है मालिक, और छुट्टी का पूरा धन भी देता है। स्वामी तस्मै किं ददाति, स्वामी तस्मै धनं ददाति, स्वामी उसे धन देता है। कस्य कस्य च पूर्णं धनं ददाति, अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति, स्वामी उसको अवकाश का छुट्टी का पूरा वेतन देता है। इस पाठ से क्या संदेश मिलती है, कष्ट काले समस्या उपायन परिहर्तव्या। जब हमें कोई कष्ट आती है, हमें कोई समस्या आती है, तो हमें उसका उपाय सोचना चाहिए। परिश्रमस्य फलम अवश्यम प्राप्येत, परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। सदैव धैर्य धारणम कर्तव्यम, हमेशा हमें धैर्य धारण करना चाहिए। कुटिला नीति ही दुखदायिनी भवति, कुटिल जो नीति होती है वह दुखदायी होती है।